स्पॉन्ज केक हो तो ऐसा हो ना कि इतना स्पॉन्जी हो कि उसको आराम से दबाओ तो उसे कुछ ना हो। तो ये देखो आप, मैंने बनाया है शिफॉन केक। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इसमें जितनी डिटेल्स हो सकती हैं वो सारी बताऊं, ताकि आपका भी केक बिल्कुल ऐसा एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बने। दोस्तों आप इसको बना कर देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। ये वैसे स्पंज नहीं है, सच में केक ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इस रेसिपी में जो केक बनाया है, बेसिकली एक शिफॉन केक की रेसिपी है। शिफॉन केक बनाया था हैरी बेकर ने 1927 में, और उन्होंने लगभग 20 साल तक ये रेसिपी किसी को नहीं बताई। 20 साल के बाद ये रेसिपी उन्होंने बेची जनरल मिल्स को, और फिर फाइनली ये रेसिपी रिलीज करी बेटी क्रॉकर ने अपने टीवी शो में। मतलब इतना फ्लफी केक बनाने का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। क्या था वो? था तेल। जी हाँ, तेल था वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। चलो देखते हैं कैसे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गलती से। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बोल में यहाँ पर अंडा लेके बेसिकली एग वाइट्स अलग कर रहा हूँ और एग योक को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सबसे गलत काम जो मैंने यहाँ पर किया है वो ये है कि एग वाइट में थोड़ा सा भी एग योक नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। एग वाइट्स को अलग करते करते अगर एग वाइट्स में थोड़ा सा भी एग योक चला गया, थोड़ा सा भी, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एग वाइट्स फैट की वजह से फिटेंगे ही नहीं, वो हवा ही नहीं आ पाएगी केक में। तो समझदारी ये है कि आप दो बोल लेना ऐसे, एक बोल में आप एग वाइट्स को तोड़ना। ये देखो अंडे को मैंने दूसरे बोल में तोड़ा है ना, इस बारी एग योक को अलग किया है, और फिर एग योक को मैं डालूंगा एक तीसरे बोल में, और एग वाइट को ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये देखो एग योक को अलग से रख दिया ना, तो एक बोल तोड़ने के लिए मैंने बनाया है, और एक बोल एग वाइट के लिए, और एक बोल एग योक के लिए। मुझे पता है बर्तन ज्यादा निकल गए, लेकिन अगर सही से बनाना है तो इस बात का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। चार अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात स्पॉन्ज केक की, एग वाइट्स को फेंटना कैसे है। जो बेकर्स होते हैं ना, वो एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वो एक एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसे क्रीम ऑफ टार्टर, लेकिन मुझे पता है क्रीम ऑफ टार्टर तो होने नहीं वाला सबके पास, विनेगर जरूर होगा। तो बेसिकली एक एसिड क्या करता है कि वो प्रोटीन्स को जल्दी से क्वागुलेट करता है, जिससे कि आपके एग वाइट्स हैं वो जल्दी से फर्म हो जाएंगे और चीनी के साथ मिलकर एकदम बढ़िया सा मरांग बनेगा। थोड़े से वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी मत, मैं करके दिखाऊंगा। तो आपने मशीन से इसको फेंटना, हाथ से फेंटोगे बहुत टाइम लग जाएगा मशीन से फेंटना, और ये देखो जैसे ही इसे झाग बन जाए ना, अब आपने यहाँ पर पाउडर चीनी डालनी है। चीनी को बेसिकली मैंने मिक्सी में पीस के डाला है, और इस मरांग में यानी कि इस चीनी और अंडे के एग वाइट के बैटर में आपको लगभग 1/4 कप चीनी को पाउडर करके डालना है। हाँ, लेकिन सारी एक साथ मत डालना, थोड़ी थोड़ी करके डालना, जैसे मैंने अलग अलग करके डाली है। और अब ये देखो स्टिफ पीक्स तक, यानी कि जब तक कि मरांग ऐसे स्टिफ नहीं हो जाता तब तक आपने फेंटना है। ये देखो ये है उसका टेस्ट। आप ऐसे डाल के निकालना और देखना, जो पहाड़ बनेंगे ना वो एकदम स्टिफ बनेंगे, यानी कि वो ऐसे झुकेंगे नहीं, तब तक आपने एग वाइट्स को फेंटना है। ये तो हो गया एक पार्ट इस रेसिपी का स्पॉन्जी बनाने के लिए। अब जो नॉर्मली केक बनाने के लिए आपको सामान चाहिए होता है वो ये सब है। मैंने चार जो एग योक्स हमने अलग किए थे वो ले लिया है। आधा कप आपको चीनी चाहिए होगी। जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है तेल, वो भी यहाँ पर है। मैंने थोड़ा सा दूध लिया है लिक्विड देने के लिए। यहाँ पर केक का स्ट्रक्चर देने के लिए आपको मैदा चाहिए होगा लगभग 1 कप से थोड़ा कम, बेकिंग पाउडर केक को फुलाने के लिए, और ये वनीला एसेंस है। बस यही सब सामान तो आपको चाहिए। लेकिन जो मेन बात आती है वो होती है इन सबको मिलाने की। तो सबसे पहला काम, आप जो आधा कप चीनी है ना उसको पहले मिक्सी में अच्छे से पीस लेना, एकदम फाइन पाउडर बना लेना। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एग वाइट्स के लिए चीनी अलग पीसी थी, एग योक्स के लिए यानी कि बेस बनाने के लिए चीनी अलग रखी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केक बनाते वक्त मेजरमेंट्स बहुत मैटर करते हैं और टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि किस टाइम पर आप चीनी डाल रहे हो, किस टाइम पर आप तेल डाल रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने जानबूझ के दोनों अलग अलग रखे हैं ताकि मेजरमेंट भी सही रहे और टाइमिंग भी सही बैठे। दूसरा काम जो आपने करना है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, सीधा ही प्रेशर कुकर को सेट करना होगा। उसके लिए आपको बेकिंग पेपर चाहिए होगा ताकि प्रेशर कुकर से आराम से रिलीज हो जाए केक।
तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल काट लिया है बेकिंग पेपर का, इसको हम यहाँ पर तेल लगा के नीचे से चिपका देंगे, और साइड्स में भी बेकिंग पेपर चाहिए होगा, नहीं तो केक जो है वो इस प्रेशर कुकर के साइड से चिपक जाएगा। तो आप यहाँ पर भी बेकिंग पेपर को काट कर ऐसे सेट कर लेना। दोस्तों बेकिंग पेपर बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस तेल से इसको अच्छे से चिपका लेना सारी तरफ, ताकि आपका केक बहुत आराम से निकले, नहीं तो अगर केक आप डायरेक्टली लगा दोगे तो केक जलने के चांसेस भी हो जाते हैं और चिपक भी जाएगा। एक और काम जो इस प्रेशर कुकर में करना है वो ये है कि आप इसकी गैस्केट निकाल लेना और सीटी भी निकाल लेना। ये दोनों चीज़ें आपके काम की नहीं है केक बनाते वक्त। अच्छा, अब आते हैं अपने केक का बैटर बनाने में। तो जो एग योक्स थे सबसे पहले उनको फेंटेंगे, और एग योक्स में ना एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लेसिथिन। अब इस रेसिपी में दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लेसिथिन दूध और तेल को जोड़ेगा। तो आपने अब करना ये है कि पहली चीज़ यहाँ पर आप तेल डालना, साथ में वनीला एसेंस डाल देना इन एग योक्स के साथ, और इसको अच्छे से फेंट लेना। फिर आप यहाँ पर दूध डालना, दूध और तेल मिलते नहीं है ना, लेकिन अब मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी डाल देना। बस इसको आपने बहुत अच्छे से फेंटना है, ताकि आपका सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बने, और इसलिए ही लोग केक में अंडा इस्तेमाल करते हैं उस लेसिथिन की वजह से। कुछ दिनों में आपको एगलेस रेसिपी बताऊंगा स्पॉन्ज केक की, आप बस मुझे नीचे कमेंट करके बता देना आपको कैसा देखना है। अब ये हो गया हमारा एक बेस केक का। अब इस पार्ट पे आपने ड्राई इंग्रेडिएंट डालना है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट क्या है? ड्राई इंग्रेडिएंट बेसिकली मैदा, बेकिंग पाउडर, बेसिकली जो चीज़ें जो कि केक को स्ट्रक्चर देती है, और वेट इंग्रेडिएंट होते हैं जो केक को मॉइस्चर देते हैं। लेकिन सारा मैदा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आप यहाँ पर एक पार्ट डालना मैदे का, और इसको पहले मिक्सी से मिला देना, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि अगर ज़्यादा मिला देंगे तो ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर दूसरा पार्ट डालना, और अब ऐसे विस्क जो होता है ना उससे अच्छे से मिलाना है, इसको अच्छे से मिलाना जब तक मैदा दिखना बंद ना हो जाए। बस इस स्टेज तक आपने मिलाना है। अब यहाँ पर हमें मरांग मिलाना है, वही जो चीनी और एग वाइट फेंट के रखा था। लेकिन उसको मिलाने की एक टेक्निक होती है जो बेकर्स इस्तेमाल करते हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो आप मिलाना, और उसको विस्क से अच्छे से फेंट लेना। कोई घबराना मत, सारी हवा निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद वाले जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसको हमें फोल्ड करना है। इसको बेसिकली फोल्डिंग कहते हैं। फोल्ड कैसे करना है, आप ये देखो, आप कोई भी स्पैचुला लेना, बड़ी करछी से भी आप कर सकते हो। बेसिकली ऐसे साइड से घुमाना है और ऐसे फ्लैट कर देना है, साइड से घुमाना है, ऐसे फ्लैट कर देना है, और धीरे धीरे करके आपको ये सारा एक साथ जोड़ना है। सेम मैंने लास्ट वाले लॉट के साथ भी किया है, साइड से घुमाना है और ऐसे फ्लैट कर देना है, और बस केक बैटर बन के पूरा तैयार है। एक लास्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर डालना है हमें, वो है बेकिंग पाउडर। ये आप यहाँ पर डाल देना, और इसको भी फोल्ड करके मिलाना। अब यहाँ पर विस्क विस्क या फास्ट मत मिला देना, नहीं तो जो हमने फेंटा था ना एग वाइट को, सारी उसकी हवा निकल जाएगी। बैटर पूरा सेट है, फटाफट से जिस पे हमें पकाना है उसको प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि पैन पे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है थोड़ा सा हैवी बॉटम का, उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, और अब फटाफट से आप यहाँ पर जो बैटर है उसको कुकर में ट्रांसफर करना। कुकर को टैप जरूर कर देना लगभग 2-3 बारी, ताकि जितने भी बड़े बड़े बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं और सारा बैटर यहाँ पर चले जाए। आप ये देखो कितना कम बैटर है, लेकिन बाद में जब केक निकल कर आएगा तो केक एकदम ऊपर तक पहुँच जाएगा, इतनी हवा होगी इसमें। तो अब ये देखो पैन एकदम गर्म हो चुका है, गैस एकदम लो पर है, एकदम लो पे। बस आपने कुकर रखना है और यहाँ पर आप इसका ढक्कन लगा देना, और इसको लगभग 40-45 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देना एकदम लो फ्लेम पर। दोस्तों गैस पे बेक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा 35 मिनट्स के बाद, 45 मिनट्स के बाद, कि केक सही से पका है या नहीं पका। अगर आप इसको ओवन में बना रहे हो तो 180 डिग्री पे आप आराम से 35 मिनट्स तक पकाना, केक अच्छे से पक कर आएगा। मुझे लगभग ये केक बनाने में 45 मिनट्स लगे थे, 45 मिनट्स बाद ही मेरा केक बनकर आया था। तो आप इसका थोड़ा ध्यान देना, 35 मिनट्स पे चेक करना एक बारी, अगर जिगली होगा 10 मिनट तक और पकने देना, अगर तब भी होगा तो 5 मिनट और पकने देना, पक जाएगा आराम से। 45 मिनट्स के बाद आपको ढक्कन खोल के दिखाने से पहले आप ये देखो जो साइड्स है कितनी गर्म हो चुकी हैं कुकर की 45 मिनट्स के बाद, और ऊपर से भी ये थोड़ा गर्म। अब आपको ढक्कन खोल के दिखाता हूँ, ये देखो केक सेट है। आप एक बार इसको स्टर करके देखना कुकर को, अगर जिगली जिगली सा है तो इसको थोड़ी देर आप ढककर और पका देना 5-10 मिनट के लिए, हो जाएगा आराम से। अगर जिगली जिगली नहीं है तो आप कोई भी टूथपिक अंदर डाल के देखना, एकदम अगर सूखी आती है तो केक बन के पूरा तैयार है। दैट्स इट दोस्तों।
अब फटाफट से ये देखो निकालना कितना आसान है, ये सीधा अपने बोर्ड पे, और बस बेकिंग पेपर निकालना है। और दोस्तों एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी केक बन के पूरा तैयार है ना। मैं आपको काट के दिखाता हूँ, ये देखो एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी केक है, वो भी प्रेशर कुकर में बना हुआ। आप चाहो तो आप इसको अवन में बना सकते हो, आप चाहो तो आप इसको कढ़ाई में बना सकते हो, कोई भी मेथड से बना सकते हो, लेकिन रेसिपी हमेशा यही रहेगी। जो मिलाने का तरीका है, जिस प्रोसीजर से हमने फेंटा है, दोस्तों तरीका वही रखना, आप इसको कैसे भी बना सकते हो और एकदम स्पॉन्ज बनकर आएगा केक। आप इसको ट्राई करके देखना, आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगा।